हाय गाइस, जय परशुराम, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और ये देखिए, टाइम हो रहा है रात के 9:09 और मैं नहा धो के तैयार हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ पे। अभी तक मैं आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाता था, बाबा श्याम की नगरी, बाबा श्याम की नगरी, बाबा सालासर की नगरी। बट आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? आज हम जा रहे हैं एक और नई जगह पे। और फिलहाल मैंने गाड़ी बुक कर ली, इस बार हमने गाड़ी बुक करी है क्योंकि हमारी गाड़ी छोटी थी। और मेरे साथ जा रहा है ये देखो जल्लू, राधिका, और इसके अलावा बड़े भैया जा रहे हैं और उनके बच्चे जा रहे हैं, और कन्नू जा रही है और निक्की जा रही है, सिर्फ पापा मम्मी और बड़ी भाभी ये नहीं जा रहे क्योंकि ये जलंधर घूम के आए थे, इसलिए ये नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, वो तो फिर बेटे है ना, छोटे हैं ना, उनको पता नहीं ना। एंड गाइस, सोनी नहीं जा रही क्योंकि सोनी का मन नहीं लगता उसकी मम्मी के बिना, इसलिए उसने मना कर दिया। नहीं तो मैं उसको भी लेके जाता, मैंने प्रोग्राम बनाया था, बट वो खुद मना कर दी, नहीं तो उसको भी लेके जाते। और सबसे पहले हम लेते हैं बाबा का आशीर्वाद, ताकि हमारी जो यात्रा है हर हर गंगे वाली, गंगा मैया में स्नान करने वाली, वो यात्रा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो। और अभी शुरू होने में बस थोड़ी देर बाकी है, और उसके बाद आपको जैसे जैसे छोटी छोटी जो क्लिप हम बनाएंगे, जो ब्लॉग हम बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। और आप बने रहो ब्लॉग के अंदर, और इस ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ इस ब्लॉग में एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, तो बने रहो ब्लॉग में। और चलो चलते हैं हर हर गंगे। तो भाई, सबसे पहले श्रीनाथ जी महाराज के ये हम लगाते हैं जब भी कहीं पे जाते हैं, ठीक है? तो ये रख दिया, अब चलते हैं। क्या हो गया? गाड़ी नहीं आई, ऐसे ही मेरे को उल्लू बना देते, पागल बना देते मेरे को है। चलो ठीक है, चलो चले आप नीचे, बैग ले चलो। ये बैग पैक है, ये सेम बैग एक और है और एक निक्की का बैग है। चले चलो 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 फटाफट चलो, अब लेट ना करो। हरिद्वार और मैं भी जा रही हूँ साथ में, चाचू नीचे आ गए और कार भी आ गई है। चाचू भी सारा सामान रख रहे हैं। भाई आओ भाई, सामान रखते हैं पहले फटाफट। इतना सारा सामान हो गया, हम दो दिन के लिए जा रहे हैं, तो इतने सारे बैग्स हो गए, फिर भी हम दो ही दिन के लिए जा रहे हैं। चलो चाचू की थोड़ी सी हेल्प कर लें। हम कार के डिगे में सारा सामान लोड कर रहे हैं। देखो नहीं नहीं करने, कहाँ जा रहे हैं नहीं नहीं करने, दिन नहीं जा रहा। कहाँ जा रहे हैं? ये वाला भी बिछी रह गया, ये वाला कहाँ जा रहे हैं? तो भाई सामान तो हमने लोडेड कर दिया, इसके अंदर इतना भी नहीं था, दो तो और एक तीन ही बैग थे। और भैया भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और ये देखो ये सब कैसे वेट कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, ये देखो। तो सब दादू से मिलते हुए बच्चे, और अब पापा जी का लेते आशीर्वाद। आशीर्वाद ले लिया, अब चलते हैं जी। ये देखो जी, कल ये तो करती ही करती है। वेरी गुड, चलो बोलो बोलो गंगा मैया की जय। तो गाइस हम सब लोडेड हो चुके हैं, ये देखो। बस अभी सेटिंग बिठा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो ये दी ढल्लू, और अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है बैठने में, एक बार एडजस्ट हो जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो गंगा मैया की हर हर महादेव। चलो एंड गाइस, हम तो गाइस हम यहाँ पे CNG डलवाने के लिए रुके थे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पानीपत के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि पानीपत में एंटर कर चुके हैं। और टाइम हो रहा है 12 का, वहाँ पे भैया और सब खड़े हैं। ये देखो गाड़ी में CNG डली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं था जो इनको चाहिए, वो दिक्कत आ रही थी। पर शायद थोड़ी बहुत डली होगी, डली होगी। चलो अब आगे चलते हैं। फिलहाल तो अभी तक की यही अपडेट है, 12 बजे हम पहुँचे पानीपत। तो गाइज हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं, और उस टाइम हमारी जो गाड़ी में ना CNG नहीं डली थी, वहाँ पे CNG का प्रेशर नहीं था जैसे कि मैंने आपको बताया था।
और अब हम मुजफ्फरनगर में CNG डलवा रहे हैं। यहाँ पर लगी हुई है बहुत लंबी लाइन, ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे दिल्ली में लगती है ना वैसे लाइन लगी हुई है। क्योंकि इससे आगे जो CNG का रेट है वो 3-4 रुपये फालतू का है, तो इसलिए I think यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। और मोस्ट ऑफ द, ये देखिए दिल्ली की गाड़ी, मोस्ट ऑफ जितनी भी टैक्सीज हैं वो सब मेरे को लग रहा है यहीं से CNG डलवाते होंगे। हम सब यहाँ पे खड़े हैं लाइन में, हमारी गाड़ी है जब आएगी CNG डलवा के, फिर हम एक एक करके गाड़ी में फिर से बैठ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए, गंगा मैया के लिए। फिलहाल 1 घंटे का रास्ता और पड़ा, अभी 72 किलोमीटर और पड़ा है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको 1 घंटे में हरिद्वार पहुँचा दूँगा, और टाइम हो रहा है अभी 2:15 बजे है, तो 2:15 बोले तो 3:15 बजे हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक जगह और अगर रास्ते में मिला तो हम रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे। फिलहाल अभी CNG डल रही है और हम वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी का। तो दोस्तों फिलहाल CNG डल चुकी है और हम चल चुके हैं, और बस अब कितनी देर में हम पहुँचने वाले हैं हरिद्वार। उम्मीद देख रहा हूँ उठ भी थी पीछे भी बैठे हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। और देखो हिसार में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ आते ही इतनी तेज की बारिश हो रही है। हम वृंदावन में आते हैं, वृंदावन नहीं सही, पहली बात हरिद्वार। गाइस जगह पे चाय पीने के लिए, और गाइस यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई लव श्याम बाबा। और इस ये देखो यहाँ पे आते इनकी शैतानियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। सबको देखो अभी भी सो रही है पल्लू, ये ड्रामे कर रही है और कुछ नहीं कर रही। तो गाइस अचानक से भैया ने ना गाड़ी भी कहाँ रोकी है, श्री श्याम बाबा के फास्ट फूड, श्री श्याम वैष्णो ढाबा फास्ट फूड चाट भंडार। हमारा तो हमारे तो नस नस में बाबा बसे हैं, देख लो यहीं पर रुकी है। तो गाइस फिलहाल आ चुकी है चाय, ये देखो ये सो रही है और वो दोनों में कर रहे हैं मस्ती अभी भी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं देवों की भूमि उत्तराखंड हरिद्वार। गाइस हमारे साथ तो बन गई बूंदी, कमरा ही नहीं मिल रहा, 7 बजने हो रही है। तो गाइस 2.5 घंटे हो गए रूम मिल रहा है, दिमाग सही हो रहा है, ये सब जिसकी वजह से है ना उसकी जाके क्लास लगाऊंगा जाके। तो फाइनली गाइस रूम मिल चुका है, ये देखिए, ये थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखा देता हूँ रूम की। और एसी रूम लिया है, ये वॉशरूम है, ये नया नया बना बहुत घूमने के बाद। निकी कैसा लगा? बहुत मजा आया, काम में बोर हो गई है। कैसे मिला है, कैसे मिला बढ़िया होगा, पूरे 3 घंटे से घूमने को पता था साई साई तन्नूर में कैसे ना पैसे लगा। पूरी पूरा चेकआउट हो रहा है इसका कि क्या क्या है रूम के अंदर, ये देखो कन्नू कर रही है। कन्नू साई कैसा रूम कैसे मिला ये बताओ, पहले कैसे ढूंढा आपने? कन्नू बताइए, एक्सप्लेन करेगा कन्नू, बता कन्नू, मैं चेयर पे बैठ जाता हूँ, बताओ कैसे मिला आपको रूम? मिला क्या मिला? कैसे मिला? कैसे ऐसे ऐसे एक झटके में मिल गया, एक झटके में ऐसे मिल गया। अच्छा यानी सुबह से कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? तो गाइस इसी मेहनत के साथ जो मिला हुआ रूम है, इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और मेरी इस पूरी जर्नी को आप पूरा देखना, और अब हम जाएंगे गंगा मैया के अंदर, यानी कि
गंगा घाट पे और वहाँ पे जाके स्नान करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये अभी हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बहुत थक चुके हैं, पूरी रात जागे हैं। और उसके बाद हमने ज़्यादा नहीं कहता हमने 21 से 22 धर्मशालाएँ छानी होगी, जहाँ पर हमें ये सुनने को मिला है कि रूम नहीं है। बट किस्मत और मेहनत जो करता है उसे सब कुछ मिलता है, ढूंढने से भगवान को मिलता है, ये सब कुछ कमाता है। तो फिलहाल इस लोग हम करते हैं यहीं पे, बने रहना और देखना मेरा ये टूर।